मैं आपको ऐसा फेशियल बताऊंगी जो चेहरे के रंग को ही नहीं निखारेगा बल्कि ना आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं, जो निशान है, या फिर चेहरे पर जो जले कट्टे के निशान आ जाते हैं उन सब की प्रॉब्लम है, या फिर चेहरे का सुकड़ जाना यानी कि स्किन जो है लूज पड़ जाती है। जैसे कि हमारी एज होने लगती है तो हमारे फेस पर जो है एज का साइन आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे फेस पर जो है हमारी फेस पर इधर जो है फाइन लाइंस आ जाती है या फिर आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा लूज पड़ जाती है, तो इन सब की प्रॉब्लम है। तो आपके लिए आज का जो फेशियल है, आज की जो रेमेडी है, बहुत ही बेस्ट होने वाली है, बहुत ही कम चीज़ों से और बिल्कुल नेचुरल होने वाली है। इस रेमेडी को, इस फेशियल को चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप गर्ल हो, जो भी हो, सभी जो है इसको यूज कर सकती हैं। बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होने वाले हैं और इसका रिजल्ट जो देखोगे आप बहुत अमेजिंग है गाइस। आपको कोई हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फेशियल को कर लें और आपका जो चेहरा है वैसे ही बहुत अच्छे से खिलखिलाकर चमकने लगेगा। और आपके चेहरे का जो आपके चेहरे पर कभी कभी ऐसा होता है, मुझे बहुत सारे कॉमेंट देखने को मिलते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो नहीं है, हमारे फेस पर निखार नहीं है, हमारे फेस पर चमक नहीं है, हमारे जो चेहरे का तेज है वो कहीं गायब हो गया है। तो ऐसा आपको भी लगता है तो आप इस फेशियल को ज़रूर से यूज करें, क्योंकि ये आपके चेहरे के जो ग्लो है उसको बढ़ाएगा, आपके चेहरे के तेज को बढ़ाएगा, आपके चेहरे पर चमक लाएगा, साथ ही साथ आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उसको अच्छे से लाइट अप करेगा। करना कब कब है, देखिए नाइट में आपको सोने से पहले इसको करना है। और जी इसको आप चाहें तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, भर के निशान है, या फिर आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है, आपके चेहरे का जो कलर है बहुत ज़्यादा डल पड़ गया है, तब आपको इसको एवरी नाइट यूज करना है, या फिर हफ्ते में आप जो है इसको 2 से 3 बार ज़रूर से यूज करें। तो देखिए आपको कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर से करना है। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको इस रेमेडी के लिए क्या क्या चीज़ लगने वाली है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको लेना है रोज़ वाटर, ठीक है, और आपको लेना है कॉटन। कॉटन को अच्छे से रोज़ वाटर में डिप करना है। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है रोज़ वाटर को अच्छे से कॉटन में डाल लिया है और इसको इस तरीके से आपको साफ़ करना है। आपकी जितनी भी फेस पर धूल मिट्टी है, गंदगी है, ओपन पोर्स में जो गंदगी होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, करीबन 1 से 2 मिनट आपको लगने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हुए आपको इसको जो है साफ कर लेना है अपने चेहरे को। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा फेस जो है नाइट में, यानी कि स्किन केयर हम करते हैं, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम कहीं आ रहे होते हैं या फिर हमें कहीं इमरजेंसी जाना होता है या फिर हम कहीं होते हैं तो हमें जो है स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है रोज़ वाटर इस तरीके से लेना है कॉटन में और अपने फेस पर आपको अप्लाई कर लेना है, या फिर आपको जो है किसी भी टिश्यू से अपने फेस को साफ़ कर लेना है, क्योंकि आपकी जो स्किन है अच्छे से साफ रहेगी, नूर रहेगा आपके चेहरे पर, चमक रहेगी। इस तरीके से आपको कर लेना है। और जी यहाँ जो है मैंने अपने फेस को धो लिया है, यानी कि अपने फेस को यहाँ पर जो है मैंने साफ़ कर लिया है कॉटन की हेल्प से और रोज़ वाटर की हेल्प से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जितनी भी गंद थी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है बीट रूट, यानी कि बीट रूट आपको यहाँ पर लेना है, मैंने कट कर लिया है। यानी कि आपको चुकंदर लेनी है, क्योंकि चुकंदर हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे रंग को निखारने के लिए, हमारे फेस पर अच्छा सा निखार लाने के लिए, तो इस तरीके से आपको जो है चुकंदर को कट करके ले लेना है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, इसका जो जूस है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप भी जो है आलसी हो, तो इस तरीके से जो है आपको कट करना है और नाइफ से जो है थोड़ा थोड़ा आपको इसको खोद लेना है इस तरीके से, यानी कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, हाफ जो है आपको चुकंदर लेनी है। और जी इसमें दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है वो है दही, खट्टा दही आपको यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से आपको जो है दही को यहाँ पर ले लेना है अच्छे से। और जी लास्ट में आपको क्या लेना है, आपको लेना है चीनी, इस तरीके से आपको चीनी लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपको दही को और चीनी को। देखिए दही में जो है लैक्टिक एसिड होता है, नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, दही दाग धब्बे को अच्छे से रिमूव करता है, रंग को निखारता है, और चीनी जो है स्क्रब का काम करेगा। और जिसमें जो हमने बीट रूट लिया है ये तो आपको पता ही है इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है हमारे चेहरे को निखारने के लिए। तो इसको क्या करना है आपको डिप करना है और इस तरीके को और इस तरीके से जो है आपको रफ करना है, यानी कि बीट रूट को आपको जो है दही चीनी में डिप करना है और अपने फेस पर इस तरीके से जो है स्क्रब करते जाना है। बहुत हल्के हल्के हाथों से जो है आपको स्क्रब करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें चीनी का यूज़ किया है और चीनी जो हमारे फेस पर स्क्रेच डाल सकती है, तो इसलिए आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से जो है इसकी मसाज करनी है इस तरीके से। देखिए आपके दाग धब्बे हैं आपके चेहरे पर, किसी भी तरह का कोई भी निशान है या फिर आपके फेस पर ओपन पोर्स है, उसमें गंदगी है या फिर आपकी स्किन पर डेड स्किन की प्रॉब्लम है, तो देखिए ये फेशियल आप कर लें, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से निखार मिलेगा, आपके दाग धब्बे अच्छे से लाइट अप होंगे, आपको बिल्कुल पिंक टोन आपकी जो है होने वाली है। देखिए आपने कई लेडीज़ों को देखा होगा कि उनके फेस पर जो है नेचुरल ग्लो होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसने जो है पिंक कलर का जो है मेकअप अपने फेस पर किया हुआ होता है और उनका जो फेस होता है बिल्कुल नेचुरल होता है। तो देखिए आप भी चाहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी आपको भी मिले, यानी कि आप भी चाहते हैं कि आपका जो फेस है बिल्कुल नेचुरल दिखे, तो इस तरीके से आपको करना है इस फेशियल को। बहुत अच्छे से आपको निखार मिलने वाला है, आपको जो भी देखेगा वो दंग रहने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से आपको निखार मिलने वाला है। और जी कहीं भी आप शादी पार्टी में जा रहे हो, आधा से एक घंटे पहले आपको इस फेशियल को कर लेना है, फिर आप जो है लाइट सा मेकअप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट मिलेगा, आपका बहुत अच्छे से मेकअप टिकने वाला है, ना ही आपका मेकअप काला पड़ने वाला है और कोई आपको जो है एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो नेक एरिया पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने हैंड पे कर सकते हैं, और आपके जो पैर हाथ हैं बहुत ज़्यादा काले हैं तब भी आप जो है इस स्क्रब को आप अपने हाथों पर पैरों पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है, मसाज कितना करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसकी मसाज करनी है। तो चलिए पहले मैं जो है मसाज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारी मसाज जो है वो डन है और अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तब आपको जो है इस तरीके से इसको लगाना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपको अपने फेस को इस तरीके से ही छोड़ देना है। जी हाँ, 5 से 10 मिनट आप अपने फेस पर इसको लगा कर रखेंगे और 5 से 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर। इस तरीके से आपको जो है अच्छे से अप्लाई कर लेना है और जी 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका जो फेस है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल पानी आपको अपने हाथ पर लेना है और मसाज करते हुए जो है आपको अपने फेस को साफ कर लेना है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। देखिए मैंने यहाँ पर अपने फेस को धो लिया है और आप देख सकते हो जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी धूल मिट्टी अच्छे से साफ हो गई है। और अब आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से ड्राई करना है और यहाँ पर जो है अपने फेस को आपको जो है किसी साबुन से नहीं धोना है, नॉर्मल पानी से आपको अपने फेस को धोना है। और जी इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप जो है नाइट में इसको करना है और आपको किसी वजह से नाइट में आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको डे में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इस फेशियल को करने के बाद अपने फेस पर आपको लगाना है सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइज़र। देखिए आप बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर से लगानी है, या फिर आप घर पर रह रहे हो तब आप जो है मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल आप जो है एलोवेरा जेल आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से आपको इस रेमेडी को यूज करना है और आप इसको कर सकते हो, आपके चेहरे पर बहुत अच्छे से ग्लो भी आएगा, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं धीरे धीरे लाइट अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।